नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आज मैं भी भारत की टीम सुबह से विंध्याचल की पहाड़ियों में घूम रही है और घूमते घूमते 6:15 बज चुके हैं। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, इस गांव का नाम मुथवाड़ है और हम एक हिल टॉप पर, एक पहाड़ी की चोटी पर इस वक्त मौजूद हैं। और मुथवाड़ जो गाँव है, इसका अपना एक इतिहास है और मुथवा भील के नाम पर, माथिया भील के नाम पर मथवाड़ गांव है और माथिया भील यहां के राजा थे एक वक्त में, उनके नाम पर ये गांव है। और जो मेरे साथ जिन्हें आप देख रहे हैं, ये नितेश भाई अलावा हैं। नितेश एक आदिवासी समाज के युवा कार्यकर्ता हैं, अपने समाज के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं, लेकिन आज ये हमारे लिए पका रहे हैं देसी मुर्गा। और आज के ट्राइबल किचन के एपिसोड की खास बात यह है कि देसी मुर्गा के साथ बनेगा पानिया। तो चढ़ा दिया जाए? बिल्कुल चढ़ाइए, पतीला चढ़ा दीजिए। ये रखा हमने पतीला, तपेला। तपेला हमारे यहाँ तपेला बोलते हैं। अच्छा, आपके यहाँ तपेला बोलते हैं, ठीक है। कई जगह पतीला भी बोलते हैं। आज जंगल में मंगल है और बहुत कम चीजों के साथ पानिया और मुर्गा, देसी मुर्गा पकाया जा रहा है। संसाधनों का अभाव है? संसाधनों का अभाव तो नहीं है नितेश भाई, क्योंकि हम जंगल में हैं। हाँ। बाकी नितेश भाई के पास संसाधनों का कोई अभाव नहीं है। अब मीठा तेल जिसको बोलते हैं जी, ये हमने डाल दिया। रिफाइंड ऑयल है, बेसिकली रिफाइंड ऑयल जी, ये डाल दिया हमने। थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं, उसके बाद हम प्याज डालेंगे। अच्छा, ये प्याज कटा हुआ है हमारे पास। हाँ हाँ, ये खड़ा मसाला नहीं डालेंगे पहले? खड़ा मसाला पहले प्याज डाल दिया जाए। अच्छा, उसके पश्चात हम लोग, चिकन आ चुका है। अच्छा अच्छा, चिकन आ चुका है, चलिए ठीक है, धुल चुका है। हाँ हाँ, उसे डालेंगे जी। और ये जो रेगुलर विधि से जिस तरह से चिकन बनता है, हाँ, जो घर में बनता है, उसकी बजाय हम लोग सारा की सारा सामान, मतलब ये जो हरा धनिया है, पाउडर है, ये पेस्ट है, नमक है, सब ऊपर से एक साथ डाल देंगे। अच्छा, और उसको थोड़ा बहुत सीजने तक हिलाते रहेंगे चम्मच से। अच्छा, उसके पश्चात जब हमको थोड़ा बहुत लगने लग जाएगा कि हाँ अच्छी स्थिति में हो गया है, तो हम लोग फिर उसमें पानी डालेंगे। अच्छा, तो जब सामूहिक भोज होता है तब इस विधि से बनाते हैं आप? हाँ, ज़्यादातर हम लोग जब बाहर कहीं जाते हैं, ये चाहे वो मुर्गा बकरे की बलि देते हैं या फिर कोई निजी पार्टी हो, बाहर जब जाते हैं तो ज़्यादातर इस विधि से भी खाना बनाते हैं। और इसका जो रेगुलर टेस्ट है अभी तक तो बहुत ही शानदार देखने को मिला है। अगर एक साथ सब कुछ डाल देंगे तो कैसे स्वाद आएगा? नहीं, अच्छा आता है। अच्छा स्वाद, अभी तक तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, पहले भी आप बनाते? हाँ, पहले भी जितनी बार भी बनाया है ऐसे ही बनाया हमने। अच्छा, और टेस्टी ही रहा है। हमारे यहाँ का जो स्पाइसी टेस्ट है वो वैसे ही अच्छा आता है। वैसे भी जंगल में अगर आप खुले में एक पहाड़ी की चोटी पे पका रहे हैं, हाँ, तो निश्चित स्वाद तो आएगा ही दोस्तों के साथ और नेचुरल जगह पे जी, बहुत ही खूबसूरत है ये इलाका। नर्मदा यहाँ से पास ही है। हाँ, नर्मदा और नर्मदा के उस तरफ सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। हाँ, सतपुड़ा की पहाड़ी आपको दिख जाएगी यहाँ से जी। चलिए अब
प्याज लगभग हो चुका है और आगे की प्रक्रिया हम चालू करते हैं डायरेक्ट चिकन डाल के। अच्छा डालिए। तो हमारे सहयोगी भाई शैलेश, डालो शैलेश जी चिकन लेके आओ और धीरे से राइट 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 इधर से लाइए, मुझे दीजिए, मैं डालता हूँ। लाइए चिकन, दो मुर्गे आज, देसी मुर्गे अलीराजपुर नस्ल के। मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप बहुत ही स्वादिष्ट चिकन पकाएंगे। कोशिश पूरी है और निश्चित ही जिस प्राकृतिक वातावरण में खाना बन रहा है, नेचुरल मिनरल इसमें घुल मिल रहे हैं, तो मिनरल का तो नहीं पता है मुझे लेकिन माहौल की मस्ती जो है वो जरूर इसमें घुल मिल रही है। बिल्कुल, इसको थोड़ी देर हम लोग ऐसे रहने देंगे, हाँ 5 मिनट, उसके बाद में मसाला डाल के ढक देंगे, मसाला डाल के फिर उसको सिझाएंगे, उसके बाद में पानी डालेंगे। अच्छा, मतलब थोड़ा सा ये इसमें ये मसाला तेल में थोड़ा हाँ भुन जाए, ऑयल उस पे चढ़ जाए। हाँ, हवा तेज है तो आग काफी तेजी पकड़े हुए है, फैली हुई है वो भी। लाइए मैं चला देता हूँ। तो बीच बीच में ऐसे यार दोस्त मिलके आ जाते हो? हाँ, यहाँ पर बारिश के मौसम में तो एक ट्रिप बनती है हमारी, बारिश के मौसम में बनती है। असल में बारिश का ही मौसम है यहाँ पे घूमने फिरने का ना, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिखने को मिलता है यहाँ पे, काफ़ी नेचुरल जगह है, बिल्कुल हरा हो गया है, यहाँ से नर्मदा जी के दर्शन हो रहे हैं, ऊपर से नर्मदा जी साफ साफ दिख रहा है, ये पूरा डूब क्षेत्र एरिया है। और यहाँ की जो संस्कृति है अलीराजपुर में, असल में आपको 2-3 प्रकार की संस्कृति देखने को मिलेगी। ये जो ये छकतला पट्टी मथवाड़ है, मथवाड़ क्षेत्र, तो मथवाड़ के इधर जाओगे आप फुलमाल साइड, ये छकतला के उस पार, तो फुलमाल के तरफ राठवा जो हमारा समाज है, आदिवासी समाज जी, उसका कल्चर ज़्यादातर ट्रेंड में रहता है। अच्छा, वो देखने को मिलेगा जिनका पिठोरा वगैरह। हाँ, पिठोरा तो ऐसे संपूर्ण आदिवासी समाज में ही, लेकिन वो लोग इसके साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो नितेश भाई, हाँ अब चिकन पे चले, में अगली स्टेप छोड़ दिया। हाँ, अब अगली स्टेप पे अपने को जाना चाहिए। हाँ, और मसाला ये मसाला लगभग तैयार है, सारा मिक्स कर दिया मसाला है। हाँ, धनिया पाउडर सब मिक्स है, जीरा पाउडर, गरम मसाला, बिल्कुल हल्दी, ये सारी चीजें हम लोग डाल रहे हैं। डालिए आप देख सकते हो, ये फ्लास्क का पत्ता है, फ्लास्क हमने कवर किया हुआ था जी। वो कहाँ है यार, पेस्ट तो ओपन लगे, नीचे छुपा दिया था बारिश की वजह से, पेस्ट छुपा हुआ था। और तो अब यहाँ भी थैली में जिंजर गार्लिक पेस्ट बिकने लगा है, है? हाँ, बिकने लगा है, अभी तो आ गया है वाह मार्केट में। और बढ़िया, लगभग सारी वो जगह जहाँ पर हमारे देवी स्थल है और जहाँ पर बलिया दी जाती है वहाँ पर ये उपलब्ध हो गया, क्योंकि बहुत बार क्या संसाधन नहीं हो पाते, तो दुकान पे मिल जाता है, रेडीमेड कोई चीज होती है तो लोग भी मजबूरन यूज कर लेते हैं। नहीं, अच्छी बात है, नहीं तो पूरा सामान लेके आओ घर से। हाँ, पूरा थोड़ा सा लेट डाला हमने, लेकिन अच्छा ही होगा। ऑल इज वेल वाला सिद्धांत है। हाँ, बी पॉजिटिव। थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, बताइएगा। बस 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 बस, बस।
अच्छा खड़ा मसाला डालेंगे? हाँ, खड़ा मसाला सबसे लास्ट में। हाँ बिल्कुल। ये मैंने पहली बार देखा है। इसका काम तो सिर्फ पत्तों का टेस्ट ही है ना, इसमें क्या है। अच्छा, अरोमा के लिए सिर्फ। बिल्कुल। तो ये भी सही है, आज पता चलेगा। सीजन जैसा तो कुछ है नहीं इसमें। हाँ। ये बात सही है, ये तो खुशबू के लिए है। हाँ, खुशबू के लिए। ठीक है, वाह। चलिए 5 मिनट बाद हम इसमें रंग तो इसका यार अच्छा लग रहा देख, पानी ग्रेवी का आ जाएगा। ये देखिए मसाला पानी बिल्कुल आपको अलग अलग नजर आएगा। इसका मतलब ये कि अच्छे से भुना है प्याज। एक और चीज उसमें रह गई, ये मिर्ची ला रहा है वो जी। अच्छा, मिर्ची नहीं क्या है, अपन जिस जगह पे बैठे हैं जी, तो अपन ने अचानक प्लान बनाया है ये सभी चीज़ों के लिए। हाँ, तो संसाधन अचानक बनी हुई चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं कई बार। लाइए लाइए भाई, बड़ी चीज़ ना, मिर्ची उड़ेगी तो। आटा भी डाल दे, घुमा दे घुमा दे घुमा दे, थोड़ा सा घुमा डाल दे। वाह, बस बस। तो जहाँ तक लाल मिर्ची का सवाल है, आपके इलाके ये में देसी वाली है, कुटी हुई। कुटी हुई। हाँ, आपके इलाके में इसका खुल के इस्तेमाल होता है भरपूर खाने में। आप यदि आपके पास खाने को सब्जी नहीं है, हाँ, दाल नहीं है, हाँ, और आप कहीं बाहर जा रहे हो, दूर जा रहे हो, हाँ, तो देसी मिर्च ये वाली लाल मिर्च कूट के, हमारे यहाँ जो पत्थर आता है ना कूटने का, उसमें कूट के धनिया वनिया डाल के जो भी डालते हैं उसको अच्छे तरीके से बना के चटनी की तरह बन जाती है, फिर आप रोटी के साथ खाइए। अच्छा, इसका टेस्ट आपको चिकन से अच्छा लगेगा। अरे, आपको डेमो कराएंगे हम ज़रूर। वाह, रंग तो बहुत अच्छा आ गया यार, टेस्ट भी अच्छा ही आएगा। अब मुझे लगने लगा ये टेस्ट भी अच्छा आएगा। पहले आपको टेंशन हो रहा था? टेंशन थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा टेंशन आ रहा था, लेकिन अभी देख रहा हूँ मैं तेल बिल्कुल अलग हो गया है इसका। जैसे आप करते हैं ना, हाँ, वैसे ही मैं भी करता हूँ। आप मतलब बनने से पहले ही मैं अपनी तारीफ शुरू कर देता हूँ। अच्छा नहीं नहीं, आप बना रहे हैं तो अच्छा ही बनेगा, अगर अभी तक अच्छा बनता आया है तो। नहीं नहीं, देख के रंग से ही अब पता तो लगने लगा है। हाँ, कि खुशबू भी आने लगी, खुशबू भी आने लगी है। पानी डाल दो। पानी डालना है? पानी डाल देते हैं। थोड़ा सा कचरा ऊपर का थोड़ा थोड़ा डाल दो। बस काफी है। अब सीजन है तो इसको, अब इसको उबलने दें। हाँ, उबलने दिया जाए। अब ढक दें, ढक के पानी इसके ऊपर। तो दोस्तों, नितेश अलावा जी के स्टाइल में बेहद खास देसी चिकन, जिसके बारे में उनका कहना है कि ये बहुत स्वादिष्ट बनने वाला है, रंग बहुत खूबसूरत आया, बहुत अच्छी खुशबू इसकी आ रही है। इसके अलावा पानिया भी लगभग बन के तैयार है। पानिया कैसे बनता है? मक्के के आटे को गूंदा जाता है, उसमें तेल डाला जाता है, नमक डाला जाता है, दही डाला जाता है, और उसको गोल करके फिर दो पत्तों के बीच में चपटा कर दिया जाता है, और उसको अंगारों पर फिर पत्तों के बीच में भून लिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है, थोड़ा बहुत प्रोसेस आपने देखा ही। बहुत ही कम संसाधनों में आज, जैसे मैंने बताया कि विंध्याचल की पहाड़ियों में हम सुबह से घूम रहे हैं, एक हिल टॉप पर बैठकर कुछ दोस्तों के साथ ये देसी चिकन बनाया जा रहा है। हम यहाँ पर ख़ास तौर पर विश्व आदिवासी दिवस यानी कि 9 अगस्त को जो यहाँ बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसके लिए नितेश भाई ने हमें यहाँ इन्वाइट किया था, और आज इनके दोस्तों के साथ मिल के ये पार्टी हो रही है, आफ्टर पार्टी आप इसको कह सकते हैं। तो सर जी, लगभग हो चुका है। हाँ, और हम चाहते हैं कि टेस्ट आप करें पहले।
अच्छा, इसको चेक करते हैं कोई तो पत्ते से पकड़िएगा गर्म है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पत्ता बुलवा लेते हैं भाई। शैलेश भाई पत्ता दीजिए, ये पत्ता आ चुका है। जी जी, और हम ये अभी इसको ढक्कन खोलते हैं। सवा घंटे से ज्यादा, डेढ़ घंटा। हाँ, वो एक बड़ा सा मुर्गा था। हाँ, एक मुर्गा बड़ा था, बड़ा मुर्गा था, तो उसकी वजह से भी देसी मुर्गा बड़ा और स्किन के साथ। जी, तो ये देसी स्टाइल में बना चिकन, हमको पूरा विश्वास है कि आपको देसी टेस्ट पसंद आएगा। तो आपको ये देसी पत्ते में, पलाश के पत्ते हैं, हमारे देसी भाषा में इसको खाकरी बोलते हैं, खाकरी खाकरी, उसमें टेस्ट करवाते हैं। अच्छा, इसको आप थोड़ा ज़्यादा नहीं दे दिया आपने मुझे? हाँ, पहले देख लो, चेक कर। अच्छा। एक पीस देख लो, बाकी सीझ गया प्रॉपर तरीके से तो फिर सब लोगों को। हाँ, पानिया भी तैयार है, पानिया कंप्लीट है। अच्छा, हमारे साथियों ने बनाया है। तो दोस्तों, जो चिकन बनना शुरू हुआ था करीब 6 बजे, 8:15 बज चुके हैं, यानी कि 2.25 घंटे, और अपने हाथ में पानिया और चिकन आ चुका है। पानिया के बारे में मैंने आपको बताया ही कि दो पत्तों के बीच में मक्के के आटे से ये बनाया जाता है और इसको फिर आग में भुना जाता है, और अब हम इसका स्वाद चखते हैं। जनरली पानिया हो या मक्के की रोटी हो, इस इलाके में कहते हैं ग्रेवी में चूर के खाना, तब आपको उसका मज़ा आता है, क्योंकि बहुत स्पाइसी खाना यहाँ पे बनता है। जो आप कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे आप, आया बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, परफेक्टली गला है। अच्छा, हम कह सकते हैं बिल्कुल कि आपको सकता अच्छा खाना खिला है। बहुत अच्छा। अच्छा चलो, थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। हमारे लिए भी एक सौभाग्य हो गया कि पहली मुलाकात भी ऐसी रही कि हम खाने तक पहुंचे और खाने में भी आपको अच्छा खाना खिला पाए। और मैं बहुत ही कम बनाता हूँ, बहुत ही कम, और आज बनाया और आपको पसंद भी आया, तो मेरे लिए भी सौभाग्य की बात हो गई है। तो मुझे लगता है कि अब सबको मिलके बिल्कुल खाना चाहिए। इस खाने के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, जो पानिया है देखने में ऊपर से सख्त है लेकिन अंदर से काफ़ी नरम है, और जब आप इसे ग्रेवी के साथ खाएंगे तो ये घुल जाएगा। और चिकन में, जैसे मैंने शुरू में कहा, इस इलाके में चिकन मटन बहुत स्पाइसी खाया जाता है। ये गुजरात, मध्य प्रदेश और भी जो आदिवासी इलाके हैं उनकी खासियत होती है कि यहाँ पे मिर्ची काफ़ी खाई जाती है, और न सिर्फ सब्ज़ी में या मटन चिकन में मिर्ची डाली जाती है बल्कि अलग से भी कूट के खाने के लिए मिर्ची आपको उसके साथ दी जाती है। तो दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और अलावा जी आपका और शैलेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी पूरी टीम का कि आज पूरा दिन आप लोगों ने हमें सिर्फ घुमाया नहीं बल्कि अंत में बहुत ही शानदार और बहुत ही ख़ास खाना अपने हाथों से बना के खिलाया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भी भारत का साथ, बनाए रखिए। थैंक यू।